नमस्कार दोस्तों, तो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाला है। तो मतलब इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ आपको बहुत सारे टीवी के ऊपर भी ऑफर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपका बजट है 15,000 रुपये के आसपास और अगर आप इस प्राइस पॉइंट में सबसे बढ़िया टीवी लेना चाहते हैं जो कि पिक्चर में, साउंड में और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन में भी सबसे बढ़िया होगा, तो आपको कौन सा लेना चाहिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और मैं एक और चीज़ कह देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं आपको एक टीवी के अलग अलग चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एक टीवी लेने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो इसलिए मैं मैंने जैसे नॉर्मल वीडियो में ग्राफ बना के आपको समझाता हूँ, बिल्कुल सेम ग्राफ की मदद से इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन सा टीवी 15,000 में सबसे बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर आप अभी 15,000 रुपये के आसपास देखेंगे तो आपके टोटल 9 अलग अलग कंपनी की तरफ से टीवी देखने को मिलेगा। लेकिन इस प्राइस पॉइंट में सैमसंग या फिर एलजी का भी टीवी आपको मिलेगा, लेकिन उसका प्राइस शुरू होगा 20,000 के ऊपर से सिर्फ HD टीवी के लिए, और उसका जो फीचर वो उतना बढ़िया नहीं है और सभी के सभी मॉडल बहुत ही पुराने हैं। तो इसीलिए मैंने इस प्राइस रेंज से LG और Samsung के जो भी टीवी उसे एक्सक्लूड कर दिया है। तो देख सकते हैं कि 15,000 रुपये के अंदर हमें दरअसल मिलता है Mi 4A Pro, Realme का टीवी, Infinix X1, माइक्रोमैक्स का टीवी, एक TCL ब्रांड का और एक iFalcon जो कि दरअसल TCL का एक सब ब्रांड है उसका टीवी, फिर Motorola ZX, OnePlus Y और Nokia का टीवी। अगर हम सभी के डिस्प्ले रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको सेफ और सेफ HD टीवी देखने को मिलेगा। अगर आप फुल HD टीवी लेने जाएंगे तो आपको मिनिमम अभी 18,000 से 19,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम सभी के LED टाइप के बारे में बात करें, अब देखिए इधर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कुछ टीवी में DLED लिखा है, कुछ टीवी में LED लिखा है। देखिए दोनों टेक्नोलॉजी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर मैं अभी आपको समझाने जाऊँ तो वीडियो 20 मिनट का बन जाएगा। आप बस ये चीज़ समझ लीजिए, LED के मुकाबले DLED थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि DLED टेक्नोलॉजी में जो LED स्ट्रिप वो एग्जैक्टली जो LCD पैनल होता है उसके पीछे होता है। तो यही रीजन की वजह से जो भी LED टीवी मार्केट में अवेलेबल है, अगर उसका पैनल टाइप है DLED टाइप, इसका मतलब उसका जो ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट और ओवरऑल जो ब्राइटनेस वो बेटर होगा नॉर्मल LED टाइप के मुकाबले। तो मतलब इस मामले में MI, Infinix, माइक्रोमैक्स, iFalcon, TCL और OnePlus ये सभी टीवी बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट, अगर हम सभी के रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें, अब देखिए इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि मैंने जो भी स्मार्टफोन के रिलेटेड वीडियो बनाए हर एक बार मैंने आपको ये चीज़ समझाया कि रिफ्रेश रेट का मतलब होता है हमारे डिस्प्ले में मैक्सिमम कितने FPS तक का कॉन्टेंट सपोर्ट करेगा। तो देख सकते कि इधर सभी के सभी टीवी में आपको मैक्सिमम 60Hz का कंटेंट सपोर्ट होगा, इसका मतलब 60fps तक का कंटेंट सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर हम सभी के ब्राइटनेस के बारे में बात करें, अब देखिए ब्राइटनेस एक टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं, अगर ब्राइट सीन आपको ब्राइट ना दिखे तो कैसे होगा? तो यही रीजन की वजह से ये सभी टीवी में से जिस टीवी का ब्राइटनेस 300 nits या फिर उससे नीचे, मैंने सभी टीवी को इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया। तो देख सकते कि MI टीवी का ब्राइटनेस क्या है, कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। Realme और Infinix का को मिलेगा 400 nits का ब्राइटनेस, मतलब हमारे फ़ोन का जितना ब्राइटनेस होता है एग्जैक्टली उतना ब्राइटनेस आपको इस Realme और Infinix के टीवी में मिलेगा। माइक्रोमैक्स पे आपको मिलेगा 300 nits का ब्राइटनेस, iFalcon, TCL, OnePlus इसमें तो ऑलमोस्ट 200 से 250 nits के आसपास ब्राइटनेस मिलेगा। और इस सभी में से जो OnePlus का टीवी उसका ब्राइटनेस है सबसे कम, जो कि है 230 nits, जो कि टीवी के लिए बहुत ही कम है, मिनिमम 300 या फिर 300 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसीलिए इस लिस्ट में से मैंने TCL, iFalcon और OnePlus के टीवी को टोटली एक्सक्लूड कर दिया है। और अगर हम Motorola और OnePlus के बारे में बात करें उसमें आपको 300 और 325 nits तक का ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो दो टाइप का होता है, एक होता है डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, दूसरा होता है स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो। अब देखिए इधर एक छोटा सा डिफरेंस है, ये जो डायनामिक रेशियो, मतलब तो जब कंपनी कोई टीवी बेचता है तो एडवर्टाइजमेंट ऑब्वियसली लिखता है कि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो इतना है। तो अगर वो कंपनी लिखता है कि डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो, तो इसका मतलब ये चीज़ समझ लेना वो जो नंबर वो दरअसल कंपनी ने खुद लिखा है, क्योंकि जैसे स्टैटिक रेशियो नापने के लिए एक स्पेशल रूल होता है या फिर जिसे कहते हैं एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो कि सभी कंपनी का एग्जैक्टली सेम है, लेकिन डायनामिक रेशियो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से नापता है। तो इसीलिए ये चीज़ हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि अगर कोई टीवी में हम देख सकते कि 1:1 डायनामिक रेशियो है तो उसका डायनामिक रेशियो किसी और कंपनी के 1:1 डायनामिक रेशियो के एग्जैक्टली इक्वल होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया डायनामिक रेशियो नापने के लिए हर एक कंपनी का अपना रूल होता है, लेकिन स्टैटिक रेशियो हर एक कंपनी का एग्जैक्टली सेम होता है, मतलब स्टैटिक रेशियो नापने का जो रूल वो हर एक कंपनी का एग्जैक्टली सेम होता है। तो इस मामले में हम सिर्फ स्टैटिक रेशियो को ही लेंगे। तो देख सकते हैं कि इस मामले पे
रियलमी, मोटरोला, माइक्रोमैक्स और नोकिया सभी में आपको स्टैटिक रेशियो मिलता है। और इस हिसाब से जो मोटरोला का टीवी उसमें आपको 5000:1 स्टैटिक रेशियो मिलता है। तो इस हिसाब से मोटरोला का जो टीवी वो सबसे बेटर ब्लैक और व्हाइट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम एमआई के बारे में बात करें, जैसे कि देख सकते एमआई पे कौन से टाइप का एलईडी उसके बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया, इसका स्टैटिक रेशियो क्या है इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीवी के प्रोसेसर के बारे में। जैसे कि जब हम कोई स्मार्टफोन लेने जाते तो हम जनरली उसमें क्या प्रोसेसर है वो हम जरूर देखते। मॉडर्न टाइम में टीवी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आजकल के जमाने में जो भी टीवी हम इसमें मल्टीपल सोर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल किया, अगर आपके पास गेमिंग कंसोल है तो आपने वो इस्तेमाल किया, पिन ड्राइव, हार्ड डिस्क, हम ये सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ एक साथ एक्सेस करने के लिए आपको एक अच्छा खासा प्रोसेसर चाहिए। और क्योंकि हम टीवी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इसमें सीपीयू के मुकाबले जो जीपीयू सेक्शन उसमें हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड की इंफॉर्मेशन को देखें, माइक्रोमैक्स ने कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया। इस पूरे चार्ट के अंदर नोकिया का जो ग्राफिक्स कार्ड वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा माली 470 सीरीज का MP4 ग्राफिक्स कार्ड। जो मोटरोला, इन्फिनिक्स और रियलमी उसमें आपको मिलेगा माली 470 सीरीज का MP3 ग्राफिक्स कार्ड, मतलब ट्रिपल कोर ग्राफिक्स कार्ड। और जो शाओमी का टीवी उसमें आपको सबसे लोअर जनरेशन का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा जो कि है माली 450 MP3 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड। और इस जगह देख सकते हैं क्योंकि ग्राफिक्स का जैसे कि मैंने बताया कि एक टीवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, और माइक्रोमैक्स ने यही नहीं कहा है कि इसका ग्राफिक्स कार्ड या फिर प्रोसेसर किया है, तो इसीलिए इस लिस्ट में से मैंने माइक्रोमैक्स को एक्सक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रैम और रोम के बारे में। अब ये तो आपको मालूम है जब आप पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या फिर दूसरे सब चीज़ों को बार बार एक्सेस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो रैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि आजकल का जो टीवी वो दरअसल एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है, तो इसीलिए गूगल प्ले स्टोर की मदद से हम अलग अलग ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो उसके हिसाब से भी इसमें आपको अच्छा खासा इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट में सभी टीवी में आपको 1GB रैम मिलेगा और 8GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। लेकिन नोकिया दरअसल एक लौता ऐसा कंपनी जो कि आपको 1.5GB का रैम प्रोवाइड करेगा। तो मतलब हम यही चीज कह सकते हैं कि नोकिया का ग्राफिक्स कार्ड सबसे पावरफुल है, नोकिया का रैम भी सबसे पावरफुल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसका ऑडियो सिस्टम। वैसे इस ऑडियो सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, दो टाइप का ऑडियो इफेक्ट होता है, एक तो होता है DTS HD, दूसरा होता है Dolby। तो डॉल्बी और DTS में से कौन सा बेटर है इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट होता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से मैं यही चीज कहना चाहूंगा, DTS क्वालिटी में ऑन पेपर जो म्यूजिक वो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्रेस होता है। तो इसका मतलब DTS साउंड इफेक्ट अगर किसी टीवी में होगा तो उसमें जो ऑडियो आउटपुट वो बहुत ही क्रिस्प देखने को मिलेगा, मतलब उस ऑडियो का जो डेप्थ वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा थियोरेटिकली। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में यूज करते हमने ये हमेशा देखा कि जब किसी प्रोडक्ट में डॉल्बी का फीचर होता है वो आपको और भी ज्यादा नेचुरल साउंड प्रोवाइड करता है। और सेम चीज मोबाइल के लिए भी होता है, कुछ मोबाइल में आपको DTS का फीचर मिलेगा, कुछ में आपको डॉल्बी का फीचर मिलेगा। डॉल्बी आपको नेचुरल साउंड प्रोवाइड करेगा, DTS थोड़ा सा लाउड टाइप का साउंड प्रोवाइड करेगा, और मैं पर्सनली डॉल्बी को ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो इस मामले में हम देख सकते MI पे मिलेगा डुअल 20W का स्पीकर जिसका क्वालिटी है DTS HD, Realme पे मिलेगा 4 स्पीकर डॉल्बी ऑडियो और 24W का स्पीकर, इन्फिनिक्स का आपको मिलेगा 220W का स्पीकर और उसके साथ डॉल्बी ऑडियो का फीचर। लेकिन माइक्रोमैक्स ने इधर ये प्रोवाइड ही नहीं किया कि इसका जो स्पीकर का क्वालिटी वो कैसा है, DTS है या फिर डॉल्बी है। तो यही रीजन की वजह से इसके नेक्स्ट जो चार्ट में आपको दिखाऊंगा उसमें से मैं माइक्रोमैक्स को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि माइक्रोमैक्स ने ना स्पीकर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, ना प्रोसेसर के मामले में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर हम मोटरोला के बारे में बात करें, इसमें आपको 220W का स्पीकर मिलेगा जिसका आउटपुट होगा डॉल्बी क्वालिटी का, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर सबसे अच्छा क्वालिटी का ऑडियो आपको देखने को मिलेगा नोकिया में, क्योंकि इसमें आपको 2 स्पीकर मिलेगा लेकिन उसका टोटल आउटपुट होगा 39W का, और जो कि दरअसल ओंकियो नाम के कंपनी की तरफ से सर्टिफाइड है। जैसे हम बोलते हैं कि JBL सर्टिफाइड स्पीकर वो बहुत ही बढ़िया होता है, एग्जैक्टली सेम ये भी एक बहुत ही बढ़िया ऑडियो कंपनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी के पोर्ट के मामले में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा आजकल के दिन में हम बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे जो सेट टॉप बॉक्स या फिर अगर आप जियो एयरटेल के सेट टॉप बॉक्स इस्तेमाल करेंगे वो तो ऑब्वियसली HDMI पोर्ट के जरिए कनेक्ट होगा, और हम इसके अलावा कोई पेन ड्राइव के पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मामले में MI, रियलमी, मोटरोला, नोकिया सभी में आपको 2 USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट मिलेगा, लेकिन इन्फिनिक्स पे आपको सिर्फ 1 USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट मिलेगा। फाइनली अगर हम OS के बारे में बात करें, इस प्राइस रेंज में मैंने आपको जो भी टीवी के बारे में बताया सभी के सभी एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है। तो अभी तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक टीवी लेना है, लेकिन फाइनली कौन सा 15,000 के आसपास सबसे बेस्ट है ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर हम कोई टीवी लेंगे तो आपको एग्जैक्टली 4 चीजें देखना चाहिए। पहला तो कौन सा LED टाइप है, LED या फिर DLED। दूसरा किसका डिस्प्ले ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है। तीसरा
कि इसका सीपीयू और जीपीयू कॉम्बिनेशन और रैम और रोम का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है, मतलब कंपनी ने एटलीस्ट बोला है कि किसमें कितना रैम और कितना इंटरनल स्टोरेज है। और फाइनली टीवी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑडियो सिस्टम, किसका सबसे बढ़िया है। टीजर में एक चीज देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में मैंने टॉप 4 कंपनी को लिया है। तो इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा, सिर्फ एक लौता ऐसा कंपनी है जिसका नाम हर एक लिस्ट में, और उसका नाम है इन्फिनिक्स। क्योंकि इन्फिनिक्स में आपको अच्छा क्वालिटी का ऑडियो, सीपीयू जीपीयू, रैम रोम, डिस्प्ले ब्राइटनेस और डीएलईडी एलईडी टाइप का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। इसलिए मेरे ख्याल से आज के दिन में 15,000 के अंदर सबसे बढ़िया ऑलराउंड टीवी आपको मिलेगा इन्फिनिक्स की तरफ से, जिसका प्राइस मेरे ख्याल से 16,000 रुपए, बिग बिलियन डे के दौरान उसके ऊपर शायद 1,000 या फिर 2,000 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और अगर आप इन्फिनिक्स जैसे कंपनी को नहीं लेना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सबसे बढ़िया टीवी मेरे ख्याल से नोकिया, क्योंकि इसमें आपको 40 वाट का स्पीकर मिलेगा, अच्छा खासा रैम रोम इंटरनल स्टोरेज का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और क्योंकि नोकिया की तरफ से तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें भरोसा तो जरूर करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो थर्ड बेस्ट टीवी मेरे ख्याल से रियलमी कंपनी का टीवी, इसका प्राइस अभी 16,000 के अंदर, बहुत ही बढ़िया टीवी है। और फोर्थ सबसे बढ़िया टीवी है मोटोरोला का टीवी, क्योंकि इस टीवी का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। उम्मीद है तो आपको समझ में आ गया होगा। आज के दिन में अगर 15,000 के आसपास अगर आपका बजट है, सबसे अच्छा है इन्फिनिक्स। अगर आप इन्फिनिक्स नहीं लेना चाहते तो बाकी के 3 कंपनी आपको लेना पड़ेगा। तो आज का वीडियो तक उम्मीद है आज का गैजेटल टाइप है मैंने आपको जो समझा वो आपको पसंद आया होगा। वैसे फ्यूचर में अगर वैसे इस टाइप का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बना दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।